दोस्तों कहते हैं कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, पंखों से नहीं और हौसलों से उड़ान होती है। जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसी ही कर दिखाया है हमारे मुंगेली डिस्ट्रिक्ट के रहने वाला टिकेश वेसो ने। दोस्तों टिकेश वेसो ने पूरा छत्तीसगढ़ में 12वीं के बोर्ड परीक्षा में टॉप 10 में सबसे ज़्यादा नंबर ला कर यह साबित कर दिया कि अगर किसी काम को आप सच्चे लगन से और मेहनत से करोगी तो दुनिया की हर मंजिल आप अचीवमेंट कर सकते हो। दोस्तों हमारे साथ है टिकेश वेसो भाई, तो इनसे बहुत सारा बात करेंगे इस तरीका से इन्होंने आज इतना बड़ा मुकाम को अचीवमेंट किया। तो आइए इनसे जानते हैं। सबसे पहले भाई हम आपसे जानना चाहते हैं कि कैसा फील हो रहा है आपको इतना बड़ा मुकाम में पहुँचते हुए, क्या आपका रिएक्शन मिल रहा है आपका फैमिली, आपका टीचर, आपका गाँव विलेज में? बहुत अच्छा फील हो रहा है एक्चुअली कि सब मतलब सब खुश हैं, पूरे गांव में पूरे मुंगेली में एक प्राउड का माहौल है। ऐसे क्या कि अच्छा हो गया। तो मुझे बहुत खुशी हो रहा है कि हमारे मुंगेली डिस्ट्रिक्ट का है और मुंगेली होम सिटी का है और मुंगेली के ही आसपास का है, तो मुझे बहुत ज़्यादा प्राउड फील हो रहा है कि हमारे मुंगेली डिस्ट्रिक्ट का बंदा है कि ये सब कुछ कर दिया। भाई आप कितने बिजी हो, 3-4 दिन हो गए ऑलमोस्ट रिजल्ट आए हुए अप्रोक्सीमेटली? बहुत बिजी जा रहा है शेड्यूल, फ़ोन नहीं उठा पा रहा हूँ एक्चुअली मैं। ऐसे क्या, इतना पहले 2 दिन तो मेरा फ़ोन मेरे पास ही नहीं था। हाँ। मीडिया और जो ऑफिस वगैरह कलेक्टर साहब के पास जाना था जो, तो फिर कल वही शिक्षा मंत्री सर के पास था स्काउट एंड गाइड की तरफ से हमारा। रायपुर गया था तो वहाँ क्या हुआ आप? वहाँ वही हुआ, पहले अपने स्काउट एंड गाइड की तरफ से, मैं राज्यपाल पुरस्कृत हूँ स्काउट गाइड का, मैं राज्यपाल परीक्षा पास किया हुआ, तो उसका जो हमारा स्काउट है वो अलग कार्यक्रम करवाता है, तो उनके तरफ से जो भी मोमेंटो वगैरह था, चेक वगैरह था, वो शिक्षा मंत्री के हाथों से मिलना था। ऐसी क्या, तो इसलिए गया। और रही बात अभी कि यार नंबर वंबर की आपको नहीं मिला, ऐसा वो एक्चुअली हुआ क्या, फ़ोन इतना इसलिए बिजी है क्योंकि जो मेरा पेज है टॉप 10 वाला उसमें मेरा नंबर छप गया है। ऐसे क्या, और तो सबके पास वो नंबर चला गया। वही तो सब एक साथ फ़ोन कर रहे हैं तो ऐसे दिक्कत हो जा रही है कि नहीं आ, मतलब लाइक जानते एक साथ दो लोग फ़ोन करते नहीं लगता, दोनों का नहीं लगता। हाँ तो इसलिए ना बहुत लोग ऐसे ही बोल, तो मतलब बहुत ज़्यादा बिजी उस दिन से अब लेकर? हाँ उस दिन से बहुत बिजी हूँ मैं, तो अभी सो के उठा हूँ तो आप आए हो। ऐसे क्या, अभी भाई आपको कहाँ कहाँ से ऑफर आया अभी, कहाँ कहाँ अभी शेड्यूल जाने का अभी? हाँ अभी हो सकता है फिर कुछ दिन बाद रायपुर जाएं। ऐसे क्या, और अभी तो कलेक्ट्रेट मतलब कि पुलिस विभाग बुलाया है मेरे को, अभी 11 बजे वहाँ जाना है। तो टिकेश भाई हम आपसे यह जानना चाहते हैं कि आपने पूरा मुंगेली का नाम रोशन कर दिया, क्योंकि मुंगेली को बहुत कम लोग जानते थे, नया नया डिस्ट्रिक्ट बना है, तो भाई आप कैसा फील कर रहे हो, मतलब आपके टीचर लोग कैसे आपका रिएक्शन कर रहे हैं, आपके फैमिली, आपके गांव कैसे आपको देख रहे हैं, क्योंकि आपका गाँव नाम का रोशन हो गया, बहुत सारे मीडिया वाले भी आए थे, कैसे फील हो रहा है? अच्छा फील हो रहा है, ऑब्वियसली टीचर सब प्राउड फील कर रहे हैं जो मीडिया वाले हैं। हाँ। यहाँ तक कि मीडिया वाले भी अपने सब मुंगेली वाले हैं भाई लोग, सब मतलब एक बार परिचित हैं समझो, तो सब लोग अच्छा मोमेंट है सबका। हाँ। प्राउड फील कर रहे हैं, सब लोग बोल रहे हैं बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा क्यों। खास बात क्या है कि दो लोग हैं और 10वीं जो प्रज्ञा कश्यप आई है, ऐसे क्या, हाँ, दोनों मुंगेली डिस्ट्रिक्ट का 100 out of 100, दैट वाज अ रियल प्राउड मोमेंट फॉर अस। यस, तो मैं यही बोल रहा हूँ कि दोनों जब हो जाता है रिकॉर्ड तोड़ हो गया ना, ये मतलब पहली बार हुआ है। हाँ। ऐसा कि मुंगेली डिस्ट्रिक्ट से दोनों हुई, पहली बार हुआ है। भाई आपने कैसे शेड्यूल बनाया था पढ़ाई लिखाई के लिए? ऐसा कुछ टाइम टेबल हिसाब से नहीं था, नहीं पता क्यों बोला जाता है सब लोग को टॉपर, मतलब 7-8 घंटा पढ़ता होगा, मैं उतना पढ़ाने वाला बच्चा नहीं हूँ, मैं नॉर्मल पढ़ता हूँ, 3-4 घंटा हो जाए तो हो जाए, एग्ज़ाम आते तक तो सब पढ़ते 7-8 घंटा, वो तो नॉर्मल है ना भाई, एग्ज़ाम से 1 महीने पहले तो सब पढ़ेंगे। तो अब सब लोग यही सवाल पूछे हैं कि एग्ज़ाम से पहले कितना पढ़ते थे, एग्ज़ाम से पहले 7-8 घंटा पढ़ते थे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो शुरू से एग्जाम जब शेड्यूल चालू हुआ है तो कई दिन तो पढ़ाई भी नहीं हुआ है मेरा, कई दिन 3-4 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया टाइम मिला तो। मतलब 11वीं की छुट्टी में आप ही तैयारी कर लिया था लगता है 12वीं का? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, 11वीं में एक्चुअली चालू हो गया था मेरा, मतलब कि गर्मी की छुट्टी में मेरा करीब 6 चैप्टर टोटल मिला के हो गया था, मतलब फिजिक्स और केमिस्ट्री मिला के, तो शुरुआत हो गया था, लेकिन तेजी जो रफ्तार पकड़ते हैं वो स्कूल खुलने के बाद ही होता है भाई। भाई जब आपका रिजल्ट आया तो कैसा फील हो रहा था, क्योंकि किसी भी इंसान का जब रिजल्ट आता है, एक्चुअली मेरा भी रिजल्ट आया था, दिल धक धक कर रहा था एकदम, कैसा फील हो रहा था? हाँ पहले सरप्राइज मोमेंट था, मेरे को पता नहीं था कि मतलब मैं वो वाला ऐसे करके, हाँ ये नहीं पता था। मेरे को दोस्त ने बताया पहले फ़ोन करके, फिर मैं न्यूज़ खोल के देखा तो एक्चुअली मेरा नाम आ रहा था वेबसाइट में, इतने लोग एक साथ अप्लाई किए कि वेबसाइट खुल ही नहीं रहा था, मेरा ही नहीं किसी भी का नहीं खुल रहा था, तो न्यूज़ के जरिए पता चला, फिर बाद में वेबसाइट खुला। अभी तक आपने रिजल्ट नहीं देखा अपना?
देख चुका इसके बाद मैं IBC 24 में आपका लाइव आ रहा था, उस समय बात किया शायद यहीं पर आप थे। तो मतलब आपका भूपेश बघेल सर भी आपको कॉल किया था क्या? यहीं पर बात हुआ था, यहीं पर, हाँ यहीं पर जहाँ पे आप बैठे हो वहीं पर। अरे प्रज्ञा से भी बात हुआ था, मैं देखा था कि अरे भूपेश बघेल भी बधाई दे रहे, क्या बोल रहा था? वो बोल रहे थे कि कैसा लग रहा है आपको और क्या बनना चाहते हो आगे, फिर बस वही पूछे, अच्छे से बात किए, बधाई दिए, उसके बाद मम्मी और पापा से बात की। भाई ये आपके गांव से मुंगेली कितना दूर है? मुंगेली मेरे गांव से ऐसे प्रॉपर मुंगेली मानोगे तो सिर्फ 5 किलोमीटर मान सकते हैं, लेकिन मेरा स्कूल है ना वो 7 किलोमीटर के करीब दूर है। किस में जाते थे आप? मैं तो साइकिल में जाता था और कभी कभी ऐसा होता था कि बाइक में भी चल दिया ऐसा टाइप। क्या सबसे पहले भाई हम जानना चाहते हैं आपका फादर क्या करते हैं, आपके पेरेंट्स वगैरह? पापा का दुकान है ऐसे रोड के ऊपर ही। तो आपने कौन से स्कूल में पढ़ाई किया? सरस्वती शिशु मंदिर प्राइवेट स्कूल है। भाई आप कौन सा सब्जेक्ट लेकर पढ़ा था? मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स सबसे ज़्यादा नंबर किस में आया है? मैथमेटिक्स 100 में 100 99। ऐसा क्या, कंग्रेचुलेशन भाई। आगे की आपकी पढ़ाई कहाँ जाने की इरादा है? मतलब मुंगेली डिस्ट्रिक्ट तो अपना होम सिटी है, तो यहाँ पर भी बहुत मतलब ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत सारा सब्जेक्ट भी है, तो फिर आप कहाँ जाना चाहते पढ़ाई करने के लिए? बाहर जाने का ऐसे मन था लेकिन अभी तो कुछ बोल नहीं सकते, अभी देखते हैं यार, कंपटीशन एग्जाम सब बचा हुआ है, उसके बाद ही कुछ बता पाऊँगा। डायरेक्ट PAT में? PET है, JEE है, सब बहुत कुछ होता है। बहुत बड़ा बड़ा एग्ज़ाम अभी वायरस की वजह से कुछ वायरस की वजह से रुका हुआ है थोड़ा एग्ज़ाम वगैरह, जैसा है कि देखते हैं, अब हमारा ही नहीं सबका रुका हुआ है, तो ऐसे कोई बात नहीं है, देखते हैं क्या होता है आगे। अब अभी से तो कुछ बोल नहीं सकते क्योंकि माहौल ही वैसा है। भाई एक इंसान जीरो से हीरो बनने के लिए बहुत सारा मुसीबत का सामना करना पड़ता है, तो आपको भी मुसीबत का सामना करना पड़ा हो क्या? सब लोग को दिक्कत का सामना करना पड़ता है, सही बात है, होता है यार, जगह जगह लोग होते हैं डिमोटिवेट करने के लिए अपन, होता है वो तो। और अगर आप आगे बढ़ रहे हो और आपको कोई रोक रहा है तो समझ जाओ आप सही डायरेक्शन में। सही बात मैं है। ये बात बोलना चाहता हूँ कि अगर आपका डायरेक्शन सही है और आप कुछ अच्छा कर रहे हो एक्चुअल में, तो आपको विरोध करने वाले सही से मिलेंगे और बहुत अच्छे तगड़े टाइप के मिलेंगे। तो आपका मन है यार उनके फ्लो में बह जाना या तो रुक के खड़े होकर सामना कर लेना। सही बात है, कोई डीमोटिवेट कर रहा है तो आपको मोटिवेट होने का चांस दे रहा है, वो मतलब उत्साह भी बढ़ाते हैं कि कोई भी आदमी डीमोटिवेट करता है। तो आपका जो टीचर है उनमें कितने सारे टीचर होगा, सबसे ज़्यादा फेवरेट टीचर कौन सा टीचर को आप मानते हैं जो बहुत ज़्यादा आपको मोटिवेट किया होगा, भाई आप ठीक है ऐसे करो, ये करो, ऐसा करो, ऐसे करके? टीचर में ऐसे तो फेवरेट नहीं बोल सकते क्योंकि सब अपने में बेस्ट है यार, क्योंकि फिजिक्स पढ़ाते हैं वो मैथ्स, अब मैथ्स पढ़ाते हो फिजिक्स ऐसे नहीं पढ़ा सकते ना, तो सब एकदम अच्छे हैं। लेकिन जैसे मोटिवेशन का बात है तो हमारे प्रिंसिपल हैं, ऐसे क्या, तो चंद्रभान तिवारी उनका नाम है, जो अभी वर्तमान में सरस्वती शिशु मंदिर विद्यालय मुंगेली के प्राचार्य हैं, तो वो बहुत मोटिवेशनल आदमी है, कि उनसे बात कर लो तो लगता है कि आप मोटिवेट हो चुके हो। क्लास में लगभग वो आते साथ ज़्यादातर दिन मोटिवेशन ही देते थे, मतलब कुछ ऐसा बात करते थे जिससे खुशी होती थी। तो भाई आपने कोचिंग किया है कि ऐसी घर में प्रिपेयर और कॉलेज स्कूल में प्रिपेयर किया? ज़्यादातर लोग कि PCM तीनों का ट्यूशन कर लेते थे, लेकिन एक्चुअली मेरा घर बहुत दूर है तो फिजिक्स और केमिस्ट्री का नहीं हो पाया ट्यूशन वगैरह, और मेरा मन नहीं था सही बताऊँ तो फिजिक्स करने का। मैथ्स में कारण था एक करने का, मैथ्स में मैं 10वीं में भी किया, 11वीं में भी किया, सब में, क्योंकि वो ना कहीं मैथ्स मेरे को लगता है, ऐसा मेरा ओपिनियन है, सबका अलग रहता है। सही बात है कि प्रैक्टिस मांगता है, मैं ट्यूशन स्कूल घर तीन जगह जब प्रैक्टिस हो जाता था तब मेरे को एक टॉपिक कभी भूलता नहीं था मैं, तो ये मेरा ओपिनियन है कि मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे को प्रैक्टिस की ज़रूरत थी मैथ्स में, इसलिए वही अपने प्रचार्य जी के पास ही जाता था मैं, और वही अब ट्यूशन में भी मोटिवेशन क्योंकि वही है जो है हमारे ट्यूशन भी मोटिवेट। आपका स्कूल कितना टाइम लगता था? हमारा स्कूल यार लग जाता था 10 बजे से, हमारा ना मतलब 10:30 बजे से पहले हमारे स्कूल पहले सत्र में जो पुराना सत्र था उसमें तो हम सुबह जाते थे ऐसे क्या 7:30-7:30 बजे, तो एकदम ठंड में भी सुबह उठ के जाना ये एक ना अनुशासन बनाता था। बाद में जो ऑर्डर आया उसके हिसाब से दोपहर को लगने लगा, तो वही 10:30-10 बजे के आसपास पहले प्रार्थना होती थी हमारी, करीब 20 मिनट की प्रार्थना, 20 मिनट की प्रार्थना के बाद फिर सब अपने क्लास में जाते थे, फिर पढ़ाई स्टार्ट होती थी।
तो भाई जैसे आप मेरी लिस्ट में नाम आया आपका, मतलब टॉप 10 में सबसे ज़्यादा नंबर आया, तो आप सर का कौन सा सर का फ़ोन आया था आपका, कौन सा टीचर का, प्रिंसिपल का आया था कि आपका टीचर का? सबका आ गया एक्चुअली, मैसेज करा था, मैसेज आया था, कॉल आया था, कई लोग का कॉल लगा नहीं। तो आगे आपका क्या प्लानिंग है, क्या बनने का? कि भाई यार बीटेक करना है मेरे को। ऐसे क्या? पेपर में यार पेशेंस ज़रूरी है, पेशेंस जिसमें रहता है वो अच्छे से पेपर अटैम्प्ट कर पाता है। जैसे कि हड़बड़ाना नहीं है बहुत जल्दी, मतलब नर्वस हो जाते हैं सब लोग कि एक सवाल नहीं बना तो बाकी सवाल उसके चक्कर में बिगड़ते जाता है। पेपर पढ़ने का आदत यार छोड़ दो सबसे पहले। लोग बोलते हैं पेपर पढ़ो, मत पढ़ो यार। हाँ। पेपर पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, तुम पेपर पढ़ के बना नहीं लोगे। पेपर तब पढ़ो बनाते सर, जैसे पहला क्वेश्चन पढ़ रहे हो तो उसको बनाओ, दूसरा क्वेश्चन पढ़ रहे हो तो उसको बनाओ, अगर आप सीधा 10वां क्वेश्चन पढ़ डाले तो उसको बनाओ। ऐसे क्या, पहला क्वेश्चन नहीं बना उसके चक्कर में दूसरा क्वेश्चन खराब हो जाते हैं। हाँ सही बात बोल रहे हैं। तो ये जो है जो कॉन्फिडेंस का खेल है ना कि गया मेरा पेपर तो बिगड़ गया, ये नहीं होना चाहिए। अब मेरा आदत था मैं क्वेश्चन सीधा पढ़ता था बनाता था, मेरा क्वेश्चन पढ़ने का आदत नहीं था शुरू से। मतलब ए टू जेड, मतलब फर्स्ट से शुरू करता था कि बीच बीच से ही मतलब शुरू करते थे? अब सब्जेक्ट वाइज था, जैसे कि गणित में पीछे से चालू करते थे अपन, क्योंकि छह नंबर वाला पहले, छह नंबर का सवाल खत्म होना चाहिए अपना, और उसके बाद यार छह नंबर का सवाल जैसे ही खत्म फिर पाँच नंबर का, फिर चार नंबर का, जो नहीं बना तो ऐसा नहीं कि नर्वस हो जाए, नहीं बना तो ये जैसे कि चार नंबर का नहीं बन रहा मान लो, तो चलो यार 96 अपने हाथ में, अब 96 के लिए मेहनत करेंगे, 96 से एक नहीं कटना चाहिए। और भाई एक क्वेश्चन बहुत बार आता है, मतलब हम अप्रोक्सीमेटली अपने टीचर से भी पूछते हैं, सर हमें आंसर शीट में कैसे लिखना चाहिए, किस तरीके से लिखना चाहिए, ऐसे करके पूछते हैं। तो आपने भाई कैसे और किस तरीके से लिखा था, कितना आंसर शीट भर देता था, सप्लीमेंट्री लेता था कि नहीं लेता था? मैं शॉर्ट लिखता था बहुत, क्योंकि एग्जामिनर देखो माइंड सेट क्या रहता है कि सामने वाले टीचर हैं जो हम लोग को पढ़ाते हैं, उनको कॉपी चेक करने से मतलब है ना। तो ज़्यादा अगर लिखोगे फेंक फाक के इधर उधर, जैसे हिंदी इंग्लिश का बात हुआ वो समझ जाता है लड़का फेंकू है। हाँ, वो तुरंत काटते हैं क्योंकि इसको कुछ आता नहीं है, ये फालतू का जलवा रहा है। उनको क्या करना है, उनको कॉपी जल्दी से जल्दी चेक करना है, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि अपना सब समय कॉपी में दे दें। ऐसे तो उनको जितना अच्छा सटीक आंसर दिख जाए कि हाँ भाई ये लड़का ना काम का बात तो लिख दिया है, आगे क्या लिखा पीछे क्या लिखा मतलब नहीं, की पॉइंट होना चाहिए, हाँ भाई काम का बात लिख दिया चलो। शुरू में मतलब ज़्यादा डिस्प्ले देना चाहिए, अच्छी तरीके से डेकोरेट, मतलब अक्षर अक्षर में क्वेश्चन जितना शॉर्ट एंड स्वीट। अरे एक तो ना कठिन शब्दों का प्रयोग, अरे मत करो भाई ऐसे कठिन शब्दों का प्रयोग ही मत करो ना आप। बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो अपने मतलब बच्चे को बोलते हैं इतना घंटा पढ़ाई करना चाहिए ऐसे करके, तो आपका पेरेंट्स ने कभी फोर्स दिया क्या पढ़ाई इतना घंटा किया अगर बेटा ऐसे ऐसे करके? नहीं मेरे को घर में कोई नहीं पढ़ा, अपने मर्जी के मालिक, मतलब जितना पढ़ो। नहीं मेरा घर में कोई दबाव नहीं है, अपने मर्जी से हूँ। मैं नहीं भी पढ़ता था तो भी किसी को पता नहीं, पढ़ता था तो भी किसी को पता नहीं आज तक कि मैं पढ़ाऊँ कि भी कि नहीं, अभी भी मेरे पास माँ बाप को पता नहीं। अब यह है रिजल्ट आया तो पढ़ा ही होगा। हाँ। ऐसा टाइप है, सही बात है। मेरा पर्सनल रूम है, उसमें चाहे सो जाऊँ, चाहे गाना सुन लूँ, चाहे पिक्चर देख लूँ, चाहे पढ़ लूँ, वो मेरी मर्जी होती। का क्लोज फ्रेंड तो बहुत सारा होगा, कोई क्लोज फ्रेंड का नाम लेना चाहते जिसके साथ आप हमेशा घूमते थे, बात करते थे? मेरे ना बहुत सारे फ्रेंड थे, जैसे कि भूपेंद्र सिंह राजपूत, वो हाँ कहे मुंगेली के अपने 90%, अभय सिंह ठाकुर वो भी 91%, हर्षदेव आंगन थे वो भी 92%, और बहुत लोग थे, नीरज यादव, सप्तल पांडे, त्रिभुवन साहू, अरे बहुत, मतलब कि ऐसा कोई दोस्त नहीं यार जिसका मैं क्या करूँ। उमेश चंद्राकर वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। ऐसे के टिकेश भाई, आज का दुनिया टेक्नोलॉजी की दुनिया है, जैसे हम सभी लोग जानते हैं फेसबुक, इंटरनेट, व्हाट्सअप, ये सब कुछ में बच्चा आज बिजी हो जाता है और अपनी स्टडी नहीं कर पाता है। तो आपने इस टेक्नोलॉजी की दुनिया में इन सब को पीछे छोड़कर कैसे आगे पढ़ा? क्या आप इंटरनेट चलाते थे, इस फेसबुक, व्हाट्सअप, इस तरीके का? व्हाट्सअप यार ज़रूरी है मेरे लिए, क्योंकि एक तो मेरा भाई बाहर है तो कुछ भी डॉक्यूमेंट है तुरंत भेजना पड़ जाता है ज़रूरत रहता है तो। दूसरा ये भी है कि कहीं ना कहीं स्कूल से जुड़ना, नोट्स वगैरह हम यूज़ करते थे, जैसे मैं आज स्कूल नहीं गया तो यार क्या पढ़ाई हुआ, नोट्स भेज दो यार ऐसे। ये फेसबुक इंस्टाग्राम मैं आज तक नहीं जानता कि कैसे चलाते हैं, मेरे को नहीं पता,
मेरे को लगता है कि कहाँ कहीं ना कहीं बनाना चाहिए। मैं पिछले एक महीने से ट्राई कर रहा हूँ बनाने का। ऐसे क्या? अभी तो भाई हम सिखाएंगे आपको। नहीं मतलब बना तो लूँगा, मेरे टेक्नोलॉजी में है, मेरा वेबसाइट वगैरह सब मेरे को आता है कि कैसे बनाना है, कैसे चलाना है, मेरे को पता है। लेकिन ट्राई कर रहा हूँ, मतलब टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है कि निकालूँ। मैं सोचता हूँ बनाते बैठता हूँ, फिर क्या बना क्या करूँगा यार बना के, सही क्या कर लूँगा बना के। अभी तक तो नहीं बना तो भी कुछ नहीं बिगड़ा है मेरा, बना ही लूँगा तो क्या हो जाएगा। तो मैं उतना मन नहीं करता कुछ भी बनाने का। लेकिन भाई अब आप फेमस हो चुके, आप हर कुछ बनाओ, सभी चीज़ में आप ग्रो करोगे। हाँ यही मेन कारण है कि अब एक बोलते हैं कि जब फेमस हो, जब ताकत बढ़े तो जिम्मेदारियां बढ़ जाती है। तो अगर हमको कोई आज देख रहा है तो हम उसके लिए एक आदर्श है, तो उनका फ्यूचर कहीं ना कहीं हमारे ऊपर एक अटैच हो जाता है। तो अगर उनका फ्यूचर अगर ख़राब होगा, अगर मैं कुछ गलत करूं तो, क्योंकि वो मेरे को आइडल मानते हैं, तो ये एक जिम्मेदारी है कि अब पहले तो अपने लिए नहीं करना था, तो बाकी के लिए कुछ भूल से भी मतलब कि गलती नहीं करना है, क्योंकि बाकी लोग देख रहे हैं उस चीज़ को कि हम गलती करेंगे, हो सकता है कोई हमसे छोटा जूनियर है उससे भी वो गलती हो, तो ये मत हो। तो एक है कि बनाना तो ज़रूरी हो गया भाई। आपने इंटरनेट की दुनिया में मतलब पीछे छोड़ दिया इंटरनेट को और अपनी स्टडी को आगे किया, बहुत ही अच्छा किया। मतलब आप इंटरनेट में कुछ ध्यान व्यान देते थे, जैसे पबजी वगैरह गेम बहुत सारे ऐसे आया है, मतलब उसमें कुछ खेलते वेलते थे कि नहीं? एग्ज़ाम टाइम तक तो नहीं। मतलब पबजी आप खेलते हो एग्जाम का? हाँ बिल्कुल। ऐसा क्या? अच्छा ये मैच खेल के देखे मेरे साथ? नहीं सर, मैं तो पबजी इंस्टॉल ही नहीं किया हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा एमबी भी खींचता है तो उतना ज़्यादा समय भी नहीं मिल पाता है। नहीं वो नहीं है पबजी, मेरे गाँव के बहुत लड़के इससे खेलते हैं। हाँ खेलता हूँ मैं, ऐसा नहीं है कि नहीं खेलता। एक्चुअली फिर अभी खेलना छोड़ दिया हूँ, मतलब कुछ गेम है ऐसे थोड़ा टाइम तक मेरा ना, ऐसा नहीं कि मेरे को एडिक्ट हो गया हूँ, कुछ टाइम तक रहता है मेरा कि खेल लो बना लो कुछ वीडियो वगैरह, बाकी तो उतना नहीं रहता। हाँ वैसे अभी फेसबुक वगैरह इंस्टाग्राम वगैरह का चलेगा मेरा, मतलब बनाने वाला हूँ। भाई मतलब छत्तीसगढ़ में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, 12वीं भी तैयारी कर रहे हैं, 10वीं भी तैयारी कर रहे हैं, आप उनको क्या प्रिपरेशन देना चाहते हैं, एडवाइस क्या देना चाहते हो, कैसे और किस तरीके से पढ़ाई करना चाहिए जिससे आप जैसे मतलब नंबर अचीवमेंट कर सके, क्या उनको सुझाव देना चाहते हैं? स्ट्रेस लेके मत पढ़ो यार, नॉर्मल पढ़ो, ऐसे क्या अपन अपने मन से पढ़ो, ऐसा नहीं कि आज कम हो गया तो आज रोने लगना, कल ज़्यादा हो गया तो खुश हो जाना। नॉर्मल रहो, ज़्यादा पढ़ो तो भी नॉर्मल, कम पढ़ाई हुआ तो भी नॉर्मल, क्योंकि अब पास्ट को लेके लोग परेशान रहते हैं कि मतलब पहले कुछ नहीं हुआ तो अभी से पकड़ के बैठे नहीं रहना, अभी कल नहीं हुआ पढ़ाई तो आज होगा, ऐसा क्या मेहनत करो। सही बात है, सवेरा ऐसा मेहनत करते रहो, एक दिन तो मंजिल मिलेगी हमेशा। बिल्कुल बिल्कुल। तो टिकेश भाई जो हमारे छत्तीसगढ़ का गौरवशाली है, जिसने 12वीं में टॉप 10 में मतलब सबसे ज़्यादा नंबर हासिल किया है, तो टिकेश भाई ने हमें मतलब वीडियो बनाने के लिए मौका दिया, समय दिया, इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। और आगे भी यही विश करते हैं कि भाई आप ऐसे ही अंग अचीवमेंट कीजिए, अपने आगे की पढ़ाई ऐसे ही कीजिए।